district of Gujarat is one of the backward districts in the state of Gujarat, which is dominated by the tribal communities. Issues with these communities in the Central India region, there was a feeling that we need to expand the engagements beyond livelihoods to look at other quality of life indicators. सीनी आदिवासी एरिया में आदिवासी लोगों का जीवन धोरण कैसे ऊपर लाया जाए, उनका इनकम लेवल्स कैसे बढ़ाया जाए, उन सब उसी मुद्दों के ऊपर काम करता है। तो उसी मुद्दे के ऊपर काम करते करते हम लोगों ने एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया, उनका लाइवलीहुड प्रमोशंस रिलेटेड इंटरवेंशंस किए, पर साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि उनका अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना है तो हम लोगों को उनके साथ में लेकर एजुकेशन के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, उनका हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन की उस एरिया में भी काफ़ी सारी समस्या है तो उसको भी हम लोग कैसे एड्रेस किया जाए उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोगों ने जब काम किया तब लोगों के साथ जाकर मिले गांव में, क्या उनका समस्या क्या है वो जानने का कोशिश किया, उनका फिर उनको प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, उनको जोड़ना है किस तरह से आगे बढ़ना है वो सब चीज़ों का रूपरेखा हम लोगों ने उनको बताई, और उन सब चीज़ों को डिसाइड करने के बाद में लोगों के साथ रह के हम लोगों ने अलग अलग सर्वे भी करवाए, टेक्निकल सर्वे किए प्लस PRA भी करवाए, और वहाँ वो सब चीज़ें होने के बाद उनका एक डिटेल में स्कीम जो है हमारे इंजीनियर्स के थ्रू हम लोगों ने बनवाई। दाहोद जिला में अत्यारे आपणे जोईए छे तो जमीनना तळ आवा ऊंचा नीचाणवाळा होय छे, तो ज्यां पीवानी पाइपलाइननी योजना करवी खूब ज खर्चाळ बने छे, એટલે વાસ્મો સાથે રહી સિગની સંસ્થાએ વરસાદી પાણી સંગ્રહ માટેના 10,000 લીટરના ટાંકા ઘરે ઘરે આપવા એવા લોકફાળા સાથે નક્કી કર્યું. See, drinking water and sanitation is one of the core requirements of any family that we were talking about. But more specifically to Dahod, it is not a requirement, but it is not in their priority because it is more focused on looking at the livelihood related issues. Sanitation for them is sort of a nature's call which needs to be attended. It has to be within a closed space or it has to be in the open, that is secondary for them. यहाँ पे जब हमारा बेसलाइन सर्वे हुआ था 5-10% हाउस होल्ड जिनके पास यूजेबल टॉयलेट्स था तो सारे ओपन डेफिकेट कर रहे थे, तो जो मेजर फोकस है चैलेंज है कि लोग टॉयलेट को यूज़ करें क्योंकि ये एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है जो इतने जल्दी बदल नहीं रहा था। मेजरली उनको हम एक CLTS मेथड यूज़ करते हैं जिसमें लोगों को ट्रिगर करते हैं ताकि वो खुद सोचे कि बाहर में जाने से क्या क्या दिक्कतें होता है, और कुछ ओनरशिप आए ताकि जल्दी उनका वो जो व्यवहार में परिवर्तन आए। स्कूल सैनिटेशन प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट करने के पीछे हम लोगों का एक ही मकसद था कि वहाँ पे जो स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उनको अच्छे अच्छे आदतें किस तरह से हम लोग उनको उनमें लाए जाए, खेल के जरिए ही उनको अलग अच्छी आदतें कौन सी होती है उसके ऊपर हम लोगों ने बच्चों को समझ दिया, जैसे कि हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस, कैसे हाथ धोते हैं, कब हाथ धोते हैं, उनके बारे में भी उनको समझ दिया। पहले जो स्कूल में से बच्चे जो है वो हैंडपम्प से हाथ लगा के पानी पीते थे तो वो आदत जो है हम लोगों ने उनको चेंज करने के लिए स्कूल में वहाँ पे स्टैंड पोस्ट लगवाया, स्टैंड पोस्ट से जो भी पानी आता है फिल्टर होके वो पानी स्टैंड पोस्ट में आता है और वो उसे वो लोग पानी ग्लास का यूज़ करके पानी पिए, वो भी एक अच्छी आदतों के हिसाब से हम लोगों ने प्रमोट किया। स्कूल्स में देखा जाए टॉयलेट और का जो सिचुएशन था जो पहले जो था वो काफ़ी नॉन फंक्शनल टॉयलेट था, तो सिनी ने उसका रिपेयर करवाया ताकि वो ठीक तरह से हर कोई बच्चा उसको रोज़ यूज़ करे। मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन भी एक काफ़ी क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो हम लोगों ने एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ में स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बात हो तो नॉर्मली ये एक टॉपिक है जो ज़्यादातर लोग खुल के बात नहीं करते, जो इतना सेंसिटिव टॉपिक भी है जिसका इम्पैक्ट उनके हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी हद तक करता है बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस में भी, तो उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड इंटरवेंशंस भी किए हैं। One of the areas that we're working in was looking at how do we use the biomass waste that is available or the cow dung, which was one of the major problem statements in the communities that we're working with. So there we thought of looking at how do we bring the best use of the available cow dung that is there or the biomass that is available there.
and look at introducing improved efficient biogas which is basically converting the biomass into usable energy. The communities has been very receptive to this whole idea or the engagement that has been brought into these areas, and the adoption of the practice, and also how the communities are themselves now helping to upscale the program in the other areas, and how the community leaders are now taking the charge and expanding the program to other geographies. That has been one of the major changes which we see in these areas, where now instead of us taking the issues to the community themselves are organizing themselves and expanding the program to other new clusters. Thank you.